में हम केमिकल इफेक्ट्स के एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है हमें, तो इसका आंसर है डिस्टिल्ड वाटर, ए वाला। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर है ए वाला, शुगर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। क्या क्या? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर इलेक्ट्रोलाइट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली आर। फिगर देखकर इलेक्ट्रोलाइट एनोड और कैथोड बताना है, तो इसका आंसर है बी वाला, बी ए सी। इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड यानी कि ए है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड है। और किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो पानी में मिलाता है और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बी है इलेक्ट्रोलाइट, ए है एनोड और सी है कैथोड, तो इसका आंसर है बी वाला, बी ए एंड। क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट इफ ए इज प्लेटेड विथ कॉपर द एनोड वुड बी। एक्सपेरिमेंट में अगर ए को कॉपर से प्लेट करें तो एनोड क्या होगा, तो इसका आंसर है बी। यदि ए को कॉपर से यानी कि कॉपर है पॉजिटिव, कॉपर से प्लेट किया तो ए कैथोड होगा, इसलिए बी एनोड होगा। कैथोड यानी कि नेगेटिव होगा तो ए नेगेटिव होगा और इसलिए बी एनोड होगा, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज़ अ बीकर कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अ बैटरी इज प्लेस नेक्स्ट टू इट इन ऑर्डर दैट द इलेक्ट्रोड पी बी प्लेटेड विथ जिंक। डायग्राम में एक बीकर है जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और दो कार्बन इलेक्ट्रोड हैं। एक बैटरी कनेक्ट करना है इस तरह से कि इलेक्ट्रोड पी पर जिंक की प्लेटिंग हो जाए, तो हमारा आंसर है ए वाला, पी मस्ट बी कनेक्टेड टू एस एंड क्यू टू आर। पी पर हमें जिंक की कोटिंग करनी है, मतलब जेड एन प्लस की कोटिंग नेगेटिव टर्मिनल पर होगी, तो पी हमारा एस से कनेक्ट होगा और क्यू को आर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर है ए वाला, पी मस्ट बी कनेक्टेड टू एस एंड क्यू टू आर। ये हमारा R है और ये हमारा S है। जब वाटर में कैल्शियम नाइट्रेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड पर क्या फॉर्म होगा और क्यों, तो इसका आंसर है C वाला, हाइड्रोजन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैथोड पर फॉर्म होगा। क्वेश्चन है, किस सेल्स में इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसका आंसर है सी वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि ड्राई सेल केमिकल रिएक्शन यूज करता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका आंसर है सी वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है बी वाला, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोड्यूस करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन को कोरोजन और रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किसकी कोटिंग की जाती है, तो इसका आंसर है डी वाला, जिंक। कौन अच्छा कंडक्टर है,
तो इसका आंसर है बी वाला, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिथिन इज, पॉलिथिन क्या है, तो इसका आंसर है बी वाला, एन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोब्लेडिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोब्लेडिंग किस पर बेस्ड है, तो इसका आंसर है बी वाला, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज, कॉपर है, तो कॉपर क्या है, एक गुड कंडक्टर, तो इसका आंसर है ए वाला, अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोब्लेडिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, इलेक्ट्रोब्लेडिंग फैक्ट्री का वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ करना चाहिए, तो इसका आंसर है डी वाला, अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आंसर है बी वाला, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आंसर है बी वाला, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो करता है, तो इसका आंसर है ए वाला, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोब्लेडिंग मेटल आर्टिकल्स के लिए कौन नहीं यूज़ होता है, तो इसका आंसर है डी वाला, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोब्लेडिंग के द्वारा बचा सकते हैं, तो ऑप्शंस हैं क्रोमियम, निकल, जिंक, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है एलईडी में लॉन्गर लीड किस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर है पॉजिटिव, सी वाला, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैप वाटर अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का और डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, क्यों, तो इसका आंसर है बी वाला, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन सॉल्ट, डिस्टिल्ड वाटर सॉल्ट नहीं कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रोड को पानी में डालते हैं और करंट पास करते हैं तो बबल्स बनते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये एक्चुअली डैश गैस होती है, हमें उस गैस का नाम बताना है, इसका आंसर है ऑक्सीजन, सी वाला, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रोड को पानी में डालते हैं और करंट पास करते हैं तो बबल्स बनते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये एक्चुअली डैश गैस है, तो हमें उस गैस का नाम बताना है, तो इसका आंसर है ए वाला, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोब्लेडिंग के समय हम थोड़ा डिल्यूट सल्फरिक एसिड को ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्यों, तो इसका आंसर है बी वाला, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन पर टिन की कोटिंग की जाती है, क्यों, तो इसका आंसर है सी वाला, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टिन कम रिएक्टिव होता है आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर्स बता दे रहा हूँ। तो कॉलम वन में है क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकंड वाला है एलईडी, एलईडी का होगा लाइट एमिटिंग डायोड्स, थर्ड वाला है कार्बन रॉड, कार्बन रॉड का होगा इलेक्ट्रोड्स, फोर्थ वाला है गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन का होगा कोटिंग विद जिंक, फिफ्थ वाला है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का होगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स्थ वाला है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का होगा गुड कंडक्टर, सेवन्थ वाला है कैटायन, कैटायन का होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, एट्थ वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इसका होगा डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, नाइन्थ वाला है क्रोमियम, क्रोमियम का है इलेक्ट्रोब्लेडिंग, टेंथ वाला है एनायन, एनायन का है नेगेटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉल्यूशन बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर है डी वाला, शुगर सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि
शुगर का सल्यूशन है जो आयंस में ब्रेक नहीं होता, और डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर आंसर है डी वाला, शुगर सल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनाइक सेल कन्वर्ट्स एनर्जी इंटू एनर्जी, तो इसका आंसर है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज इन वोल्टिक सेल, तो इसका आंसर है डिल्यूट सल्फरिक एसिड। थर्ड है, इन वोल्टिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम डैश टू डैश इलेक्ट्रोड, तो इसका आंसर है जिंक टू कॉपर। नेक्स्ट है, इन ड्राई सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज डैश, तो इसका आंसर है अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, इन ड्राई सेल मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट इनसाइड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल बाय अब्जॉर्बिंग द डैश एंड प्रोड्यूस्ड, इसका आंसर है अब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन गैस।